सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 4 पढ़ेंगे। पाठ 4, शब्द विचार। आज हम शब्द विचार के बारे में अध्ययन करेंगे। व्याकरण के जिस भाग में शब्दों के प्रकार, रूपांतर और उत्पत्ति आदि पर विचार किया जाता है, उसे शब्द विचार कहते हैं। विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। कोई भी भाषा वाक्यों से बनती है और वाक्य शब्दों से। शब्द बनते हैं विभिन्न ध्वनियों वर्णों से। शब्दों की रचना ध्वनियों के निश्चित क्रम से होती है। क्रम बदलने से शब्द का अर्थ बदल जाता है या वह निरर्थक हो जाता है। जैसे बच्चों, ये काय का चित्र है, कमल का। क्या लिखा है यहाँ पे? कमल, कमल। ये क्या है? एक शब्द है। अब ये किन वर्णों से मिलकर बना है? का, धन आ, धन मा, धन आ, धन ला, धन आ। इन वर्णों को मिलाने से क्या शब्द बना? कमल। दूसरा हम देखेंगे बादल। बादल भी एक शब्द है और ये किन किन वर्णों से मिलकर बना है? बा, धन आ, धन द, धन छोटा आ, धन ला, धन छोटा आ। क्या बना इन वर्णों को मिलाने से? बादल। इन शब्दों को पढ़ते ही इनका एक चित्र हमारे मस्तिष्क में बनता है। जब हम कोई शब्द को बच्चों पढ़ते हैं तो उसका चित्र हमारे दिमाग में तुरंत आ जाता है। इन शब्दों की ध्वनियां का क्रम आदि बदल दिया जाए तो देखो क्या होगा। अगर यहाँ पे लिखा है, देखिए, जैसे कमल, अभी मैंने आपको बताया था कमल किन किन वर्णों से मिलकर बना है? क, धन आ, धन ला, धन आ, धन मा, धन आ। इन वर्णों को मिलाने से बना कमल। फिर देखिए दूसरा क्या शब्द है? मलक। मलक किन किन वर्णों से मिलकर बना है? मा, धन आ, धन ला, धन आ, धन का, धन आ। इन सबको मिलाने से बना मलक। अब बच्चों, आप यहाँ पे देखिए, मलक क्या ये एक सही शब्द है? नहीं, क्योंकि इस शब्द का कोई भी अर्थ नहीं है। क्रम बदलने से, क्योंकि इनको आगे पीछे करके इधर उधर लिखने से जो शब्द बनता है और जिसका कोई अर्थ नहीं होता, वो क्या सही शब्द नहीं होते हैं। और जो शब्द सही होते हैं उसका क्या होता है? अर्थ होता है। समझ में आया आपको बच्चों? जैसे कमल और बादल मैंने अभी आपको बताया। बादल और कमल क्या है? सही शब्द है और उसका अर्थ भी है कि ये कमल है और एक ये बादल है। कमल और बादल की ध्वनियों के क्रम बदलने से नए शब्द बन गए, कमल और बदला। इसी प्रकार इनकी ध्वनियों के क्रम में एक बार पुनः परिवर्तन से शब्द बने। क्या शब्द बना था जब चेंज किया तो वर्णों को? मलक और लदबा। इन दोनों का कोई अर्थ नहीं है। मलक और लदबा का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये बदले हुए वर्ण से जो शब्द बने हैं, ये शब्द क्या है? सही शब्द नहीं है। यहाँ यह बात भी स्पष्ट होती है बच्चों कि वर्णों के सार्थक मेल से जो शब्द बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? सही शब्द कहलाते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक शब्द, मतलब सही शब्द ध्वनि समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। सार्थक होने पर न यद आदि एकाक्षर भी शब्द की श्रेणी में आ जाते हैं। भाषा में शब्दों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है, जैसे किताब, घोड़ा, घर, मिठाई आदि। इन शब्दों की स्वतंत्र सत्ता है। भाषा की शक्ति उसकी शब्द योजना और शब्द संपदा पर ही आधारित होती है।
इसीलिए नए भाव, नए विचार, नए अनुभव संप्रेषित करने के लिए नए नए शब्द गढ़ने पड़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों शब्द और पद। जब शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तब वह पद कहलाता है। पद के रूप में प्रयुक्त शब्द कोई ना कोई व्याकरणिक प्रकार्य करता है तथा वह वाक्य के अन्य पदों के साथ जुड़ा रहता है। उदाहरण के लिए, धोबी ने गधे को मारा। वाक्य में धोबी और गधा दोनों संज्ञा शब्द है, किंतु व्याकरणिक प्रकार की दृष्टि से धोबी कर्ता का और गधा कर्म का काम कर रहे हैं। मारा मतलब मारना क्रिया का भूतकालिक रूप है। ये सभी ने और को पर सर्गो द्वारा आपस में जुड़कर वाक्य की रचना कर रहे हैं। तो अभी मैंने आपको ये बताया कि शब्द और पद क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों शब्दों के भेद। शब्द संपदा की दृष्टि से हिंदी भाषा बहुत धनी है। हिंदी में अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित आधारों पर शब्दों के अनेक भेद हैं। पहला, रचना के आधार पर। दूसरा, स्रोत उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा, अर्थ के आधार पर। और चौथा, प्रयोग के आधार पर। पहला हम देखेंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं। पहला, रूढ़ शब्द। दूसरा, यौगिक शब्द। और तीसरा, योग रूढ़ शब्द। तो सबसे पहले हम देखेंगे रूढ़ शब्द। अब हम पहले देखेंगे सबसे पहला रूढ़ शब्द। जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रसिद्ध हो गए हैं और जिनके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नमक, दाल, पानी, फल, पेड़ आदि। इन शब्दों के खंडों का कोई अर्थ नहीं है। जैसे फल, फल फल होता है, पेड़, पे धन ड़ा पेड़। इन शब्दों का खंडों का कोई भी अर्थ नहीं है। अब हम देखेंगे दूसरा यौगिक शब्द। दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे बैलगाड़ी, पाठशाला, घुड़सवार, धनवान, पुस्तकालय आदि। इन खंडों के भी अर्थ होते हैं। जैसे बैलगाड़ी, कैसे इनको अलग अलग किया, बैल धन गाड़ी, अश्वारोही अश्व धन आरोही, पुस्तकालय पुस्तक धन आलय। इन शब्दों के खंडों के भी स्वतंत्र अर्थ हैं, अतः ये यौगिक शब्द हैं। अब हम देखेंगे तीसरा योग रूढ़ शब्द। जो शब्द बनावट की दृष्टि से यौगिक हैं, अर्थात दो शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने हैं, किंतु अपना सामान्य अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नीलकंठ, चारपाई, गिरिधर, लंबोदर, दशानन आदि। जैसे अभी मैंने आपको बताया नीलकंठ, चारपाई, श्वेत तंबरा। इन शब्दों के क्रमशः शाब्दिक अर्थ हैं। सफेद वस्त्रों वाली जिसका कंठ नीला है, और चार पायों वाली जिसको क्या कहते हैं, चार पाई। किंतु ये शब्द सरस्वती, भगवान, शंकर,
और खाट के अर्थों में रूढ़ हो गए हैं। अतः ये कौन से शब्द हैं? योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। बच्चों, आज मैंने आपको पाठ 4 शब्द विचार में आपको जितना पढ़ाया, आपको आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसी पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य दे रही हूँ, जिसे आप अपनी रफ कॉपी में लिखेंगे। इसके आगे का भेद मैं आपको अगले भाग में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।